हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेलवे अपेंडिस 2022 में जितने भी अपेंडिसशिप हुए हैं, खासकर उनमें एवरेज जो है फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ कितना जाता है, उस पर आज हम फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। चाहे फाइनल कट ऑफ जो है कितना जाता है ज्वाइनिंग से रिलेटेड, ऐसे ही हम एक रेलवे के डिवीजन का आज हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में कि आईटीआई पास वाले रेलवे अपेंडिस में फाइनल जब ज्वाइनिंग के टाइम पे कट ऑफ कितना जाता है। आप देखते हो कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो मेरिट लिस्ट अलग अलग जितने भी रेलवे के डिवीजन से अपेंडिसशिप रिलीज की जाती है, आपका मेरिट लिस्ट आता है, उसमें जो है किसी किसी डिवीजन का कट ऑफ रिलीज किया जाता है और किसी डिवीजन का डायरेक्ट मेरिट ही रिलीज किया जाता है, कट ऑफ रिलीज नहीं किया जाता है। और बहुत सारे डिवीजन में तो ऐसा भी देखने को आता है कि मेल के माध्यम से या फिर टैक्स मैसेज के माध्यम से सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस दिन है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। ना कोई मेरिट, ना कोई नोटिस, कुछ पब्लिश नहीं किया जा सकता है। और कट ऑफ की तो दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं होता कि कट ऑफ रिलीज की जाए, पर रेलवे के बहुत सारे डिवीजन ऐसे हैं जिसमें मेरिट के साथ साथ आपको कट ऑफ भी बताया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम फाइनल कट ऑफ जब ज्वाइनिंग आपका हो जाता है रेलवे के अपेंडिसशिप में, किसी भी डिवीजन की बात करें ऑल ओवर इंडिया से जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है रेलवे अपेंडिस में, तब तक का जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना जाता है, वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आज हम रेलवे के ऐसे ही साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन का, जिसका अभी एक दिन पहले ही फाइनल मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज किया गया है, जिसमें साथ साथ आपको कटअप भी बताया गया है और वेटिंग लिस्ट भी उसमें अटैच कर दिया गया है और वेटिंग वालों का भी कटअप बताया गया है कि वेटिंग वालों का कितना कटअप गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे थंबनेल पे देख रहा होगा कि फीटर का आपको लिखा है 92 से 64, इलेक्ट्रीशियन 84 से 66, वेल्डर का आपका 83 से 75, तो बहुत कैंडिडेट को नहीं समझ में आ रहा हूं कि हालांकि ऐसा क्यों लिखा है, क्या है, क्या इसका कट ऑफ 92 गया या फिर 64 गया। तो फुल डिटेल के साथ देखेंगे आज की इस वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट, पीडीएफ ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट या फिर हर एक इंफॉर्मेशन का वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है, तो वहां पर आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। तो चलिए सीधे हम चलेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर का जो अपेंडिसशिप के ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट आया है, हालांकि वो मेरिट लिस्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल साइट पे भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बात करें तो इसमें टोटल 3 डिवीजन से अपेंडिसशिप देखने को मिलता है। पहला बात करें तो रायपुर, दूसरा आपका आता है बिलासपुर और तीसरा आपका आता है नागपुर। तो हालांकि रायपुर का ज्वाइनिंग चल रहा है या फिर आप बोल सकते हैं ज्वाइनिंग हो गया है, उसी तरह बिलासपुर और अभी नागपुर का ज्वाइनिंग का बात हम करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो 13 सितंबर को इसके ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दिया गया था। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कैंडिडेट सुटेबल फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंडिसशिप अंडर द अपेंडिसशिप एक्ट 1961 और नागपुर डिवीजन एंड वर्कशॉप मोतीबाग, दोनों का हम कट ऑफ देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्क्रॉल करके हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि नागपुर डिवीजन से आपका फीटर ट्रेड से, फीटर ट्रेड से अगर हाईली कट ऑफ आपको थंबनेल में देखने को मिला होगा कि हाईली कट ऑफ 92 और लोएस्ट कट ऑफ आपको 64 देखने को मिला। तो देखिए यहाँ पे हाईली कट ऑफ अगर हम बात करेंगे अनरिजर्व से तो आपको 92.7 देखने को मिला। सोचिए अगर आईटीआई से हम बात कर रहे हैं तो 92 पार कर गया, तो इसी तरह बीएलडब्ल्यू का आप सभी जानते हैं कि बनारस लोकोमोटिव वर्क जो हमेशा फेमस रहता है अपेंडिसशिप के रिगार्डिंग, क्योंकि कैंडिडेट का जो रुझान रहता है उसमें सबसे ज्यादा रहता है, सब चाहते हैं कि हम बीएलडब्ल्यू से रेलवे से अपेंडिसशिप करें क्योंकि वहां पर वर्कलोड जो भी कम रहता है और सबके जो लोकेशन के नियरेस्ट भी है, इसलिए बीएलडब्ल्यू का हमेशा होड़ उसमें मची रहती है। तो वहाँ का अगर हम नॉन आईटीआई के कट ऑफ को बात करें तो सोचिए नॉन आईटीआई में आपका 100% कट ऑफ किया, तो नॉन आईटीआई का 100% कट ऑफ चल गया और अभी आईटीआई का आप देखिए तो 92 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा। तो जब आईटीआई का इतना जा रहा है तो नॉन आईटीआई वालों का कितना जाएगा वो आप सोच सकते हो। तो देखिए यहाँ पे अगर हाईली कट ऑफ का हम बात करें तो पहले आपको बता दिए कि सेलेक्टेड एज अनरिजर्व कैटेगरी इनका एससी था पर ये सेलेक्टेड हुए अनरिजर्व फर्स्ट से, जिसमें आपका 92.7 हाईली कट ऑफ देखने को मिला। अगर सेम ट्रेड से हम फीटर से लोएस्ट कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो लोएस्ट कट ऑफ और सेलेक्शन ऑफ कैंडिडेट का बात करें तो देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि टोटल आपका 157 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग फिक्स है,
ठीक है, क्लियर। फर्स्ट में फर्स्ट राउंड का मेरिट में 157 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। और अगर लोएस्ट कट ऑफ का बात करें तो 64 अराउंड ऑफ 64.03% पे सिलेक्शन हुआ है। अगर हाईएस्ट का बात करेंगे तो 92 और लोएस्ट का बात करेंगे तो 64% पे कट ऑफ बना है। हालांकि इसमें देखिए वेटिंग वालों का भी नाम है, वेटिंग स्टैंड बाय करके भी लिस्ट जारी कर दिया गया है कि जो लोग मेन मान लीजिए मेन लिस्ट से जितने भी कैंडिडेट नहीं जाते हैं तो वेटिंग में जितने भी कैंडिडेट उन सभी को तैयार रहना है। हाँ, उन सभी को तैयार रहना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर लेनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी तक होते आया है कि अराउंड ऑफ मान के चलिए कि उसमें से 157 में से आपको ऐसा देखने को आएगा कि 135 30 के आसपास ही कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, बाकी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। सभी के अलग अलग तरह के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डेट का अगर हम बात करें कारपेंटर का, तो कारपेंटर का अगर बात करें तो इसमें हाईएस्ट कटअप आपको देखने को मिलेगा 84.81, और जो जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी को क्वालिफाई करते हुए जो इतना जिसका कट ऑफ था वो अनरिजर्व कैटेगरी को क्वालिफाई किए 84.815। और अगर वहीं लोएस्ट कट ऑफ की हम बात करें तो लोएस्ट कट ऑफ आपको देखने को आएगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है 48, और लोएस्ट में आपका बात करें तो 66.23% कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अराउंड ऑफ बोल सकते हैं 66, जो आपका एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वहीं अगर स्टैंड बाय लिस्ट में अगर बात करें, वेटिंग वालों में बात करें, तो टोटल 7 कैंडिडेट को सम्मिलित करके रखा गया है। तो आप सभी जितने भी 7 कैंडिडेट होंगे साउथ सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन से जो अपेंडिसशिप के रिगार्डिंग फॉर्म अप्लाई किए होंगे सभी को रेडी रहना है ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने कैंडिडेट को वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा सारे के सारे कैंडिडेट अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो विभिन्न विभिन्न कारण हो सकते हैं सभी के। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डेट आपका कोपा से। कोपा से अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 91% अराउंड आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा राउंड ऑफ करके। और अगर वहीं हम बात करेंगे टोटल सिलेक्शन का, तो टोटल सिलेक्शन आपको यहाँ पे देख लीजिए कितना देखने को मिल रहा। देखिए टोटल सिलेक्शन का अगर हम बात करते हैं तो 44 मेन लिस्ट में 44 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है ज्वाइनिंग के लिए। वहीं आपका जो लोएस्ट कटअप की अगर हम बात करें, जो आपका अनरिजर्व से मानिए या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से, अनरिजर्व के पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनका आपका 63% के अराउंड आपका आसपास कटअप माना गया है लोएस्ट में कारपेंटर का, कोपा का। और वहीं कोपा का अगर वेटिंग लिस्ट का हम बात करें तो वेटिंग लिस्ट में आपको 8 कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया गया। चलिए बात करते हैं डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन से, जिसमें मात्र एक कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया। तो यहाँ पे देखिए नो एलिजिबल कैंडिडेट फाउंड, तो यहाँ एक भी कैंडिडेट को फाउंड नहीं किया गया, एक भी कैंडिडेट इन्हें सूटेबल नहीं मिल पाए। और वहीं बात करें कि डिजिटल फोटोग्राफर से, तो यहाँ पे आपको यहाँ भी एक भी कैंडिडेट नहीं मिले हैं, और आपका ड्राइवर का मैकेनिक लाइट मोटर व्हीकल से भी कोई कैंडिडेट नहीं मिला। तो देखिए बहुत सारे ऐसे टेक्निकल होते हैं जो सीट जो वैकेंट रह जाते हैं। आप सामने देख रहे हैं कि 3 ट्रेड डेंटल लेबोरेटरी और आपका डिजिटल फोटोग्राफर ड्राइवर का मैकेनिक में एक भी सीट ना एक भी कैंडिडेट इनको नहीं मिला है। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन का, तो इलेक्ट्रीशियन में हाईएस्ट कटअप आपको देखने को आएगा कि 91% के अराउंड आपको हाईएस्ट कटअप देखने को मिला है। हालांकि 91.735 है, पर आप अराउंड ऑफ मान सकते हो कि 91.7% आपका हाईएस्ट कट ऑफ इलेक्ट्रीशियन से देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये मात्र एक वीडियो नहीं, ये सभी जो रेलवे से अपेंडिसशिप करना चाहते हैं वो अपना जजमेंट इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं कि आपका रेलवे अपेंडिसशिप में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत कोई का डाउट होता है। अराउंड ऑफ एवरेज अगर मान के चले तो 75% या फिर 80% तक होने के बावजूद भी सबके मन में डाउट होता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिए, हालांकि एंड तक देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट बढ़ता है तो वीडियो के एंड होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ इलेक्ट्रीशियन का हाईएस्ट कट ऑफ तो हम लोग देख लिए, अब बात करते हैं नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का और लोएस्ट जो कट ऑफ है उसका। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा कैंडिडेट को इलेक्ट्रीशियन से शॉर्टलिस्टेड किया गया, वो अराउंड ऑफ 153 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया, जो आपका अगर कट ऑफ की बात करें तो 67% पे इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ मिनिमम माना गया है जो ईडब्ल्यूएस से है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस से हालांकि जनरल से अप्लाई किए थे पर इनका ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन किया गया है कट ऑफ के रिगार्डिंग। वहीं अगर हम बात करें वेटिंग लिस्ट वालों में, तो वेटिंग लिस्ट वालों में आपको टोटल अराउंड ऑफ बात करें तो 27 कैंडिडेट को मौका दिया गया है। और चलिए बात करते हैं असिस्टेंट के रूप में स्टेनोग्राफर इंग्लिश में अगर बात करें तो टोटल 13 कैंडिडेट को ही शॉर्टलिस्टेड किया गया है, और आपका 90% जो हाईएस्ट है, और मिनिमम का बात करें तो 80% पर सिमट गया है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं वेटिंग लिस्ट वालों में, तो वेटिंग लिस्ट वालों में टोटल आपका बात करें तो 10 कैंडिडेट को मौका दिया गया। चलिए नेक्स्ट आपका ट्रेड है प्लम्बर।
प्लम्बर आता है। प्लम्बर में अगर हाईएस्ट हम बात करेंगे तो 82.355 से आपका स्टार्ट होता है प्लम्बर का, और अगर हम लोएस्ट कट ऑफ की हम बात करते हैं तो देखिए लोएस्ट कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे और नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 41 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। कितना? 41 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, और यहाँ पे लोएस्ट कट ऑफ देखेंगे तो 68% के अराउंड के आसपास है। और अभी अगर वेटिंग लिस्ट वाले में बात करेंगे तो आपको 12 कैंडिडेट को यहाँ पे मौका दिया गया है। चलिए पेंटर का देखते हैं, तो पेंटर का हाईएस्ट कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 84% के अराउंड है। हालांकि 84.765 है, पर आप 84.7% यहाँ पे कट ऑफ मानकर चल सकते हो। और अगर वही लोएस्ट कट ऑफ की बात करेंगे तो देखिए लोएस्ट कट ऑफ आपका 61% के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। चलिए वही पेंटर वाले में अगर बात करें तो टोटल 13 कैंडिडेट को मौका दिया गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी से अगर आप बात करोगे तो इसमें अगर हाईएस्ट कट ऑफ आप देखोगे तो 93 अभी तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आपका स्टेनोग्राफर हिंदी से ही देखने को आ रहा है। हालांकि देखिए कट ऑफ जो है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं जो हम वीडियो के एंड में देखेंगे, हालांकि अभी कट ऑफ को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो स्टेनोग्राफर हिंदी से आप बात करोगे तो यहाँ पर देखिए 93% कट ऑफ जो है हाईएस्ट गया है, और वहीं अगर हम लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट आपका देखिए 73.25% लोएस्ट गया है। नेक्स्ट अगर ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जिसमें आपका अगर बात करें तो टोटल 5 कैंडिडेट को ही मौका दिया गया, और हाईएस्ट कटअप आपका 90% और लोएस्ट 85% पे सिलेक्शन हुआ है। और यहीं अगर स्टैंड बाई लिस्ट में 3 कैंडिडेट को यहाँ पे रखा गया है, ताकि जो मेन लिस्ट में अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पाता है तो वेटिंग लिस्ट वालों से सीट को फुल करना है, क्योंकि रेलवे को सीट फुल करने से मतलब है चाहे वो कहीं से भी कैंडिडेट उठा के करे। अगर आपका नेक्स्ट आता है वेल्डर ट्रेड, तो वेल्डर ट्रेड से अगर हम बात करेंगे तो आपका 83.515% आपका कट ऑफ देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कट ऑफ का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम वही लोएस्ट कट ऑफ अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो लोएस्ट कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखते हैं सबसे पहले कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया, तो यहाँ पे 68 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया। और अगर वही हम कट ऑफ की बात करेंगे तो 75% लोएस्ट कट ऑफ देखने को मिल रहा है। तो देखिए जैसे जैसे दिन प्रतिदिन कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, जो कट ऑफ का जो रेंज है वो इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। चलिए वहीं अगर हम वेटिंग वालों में बात करेंगे तो वेटिंग लिस्ट वाले में 14 कैंडिडेट को रखा गया। नेक्स्ट आपका ट्रेड है वायरमैन, वायरमैन में अगर हाईएस्ट कट ऑफ का बात करेंगे तो 88.885% कट ऑफ रखा गया है। अराउंड ऑफ मान सकते हैं 89 के आसपास आपका कट ऑफ गया है, किससे? वायरमैन से। और वही नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का बात करेंगे तो 54 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है। और अगर लोएस्ट कट ऑफ देखेंगे तो 68.96, मतलब आप 69% कट ऑफ मान सकते हो जो आपका ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चलिए अगर नेक्स्ट बात करेंगे उसके बाद आपका मैकेनिक मशीन टूल है, जिसमें आपका मात्र 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया, 82% और 80% आपका मिनिमम कट ऑफ देखने को मिला, जो सारे हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं मैकेनिक डीजल से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एवरेज आपका 90% है, 90.48 जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी से है। और अगर लोएस्ट कट ऑफ की हम बात करते हैं तो मेरिट के लास्ट में जाते हैं, तो 54 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करने के बाद 63.98, मतलब 64% पे आपका मेरिट जो है वो सिमट गया है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, उसके बाद आपका हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, केबल ज्वाइंटर में कोई कैंडिडेट इन्हें नहीं मिला, मतलब 3 ऐसे ट्रेड उधर थे और 3 अभी और हो गया, टोटल 6 ऐसे ट्रेड मतलब इसमें देखने को मिले साउथ सेंट्रल रेलवे में जिसमें कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं मिला। और लास्ट करते गैस कटर में 2 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया, जिसमें 75 और 72 आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा। वहीं अगर मैकेनिस्ट से बात करें तो मैकेनिस्ट में आपका हाईएस्ट कट ऑफ जो है 88.74% देखने को मिला, 88.74745, मतलब 89% आप कट ऑफ देख सकते हो। और वहीं अगर हम लोएस्ट में हम बात करते हैं तो लोएस्ट आपका देखिए 64% पे चला गया, जो आपका SC PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर स्टैंड बाई लिस्ट में अगर हम बात करते हैं तो टोटल 15 कैंडिडेट को मौका दिया गया। मैसून से देख लीजिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया, 74 से लेकर 73% कट ऑफ देखने को मिल रहा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आप ट्रेड का जो टर्नर से बिलोंग करते हैं, तो उसमें 87.265% आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें लोएस्ट कट ऑफ का तो 79.55, मतलब 80% के अराउंड आपका लोएस्ट कट ऑफ देखने को मिल रहा, जो आपका ST फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो और अब आप बात करते हैं मोतीवार वर्षों, तो हालांकि हम मेन लिस्ट में बात करें या स्टैंड वाइज लिस्ट में बात करें तो कट ऑफ जो है आमने सामने सभी का देखने को मिल रहा है। कोई बहुत सारे ऐसे ट्रेड है जिसमें कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा एक्रॉस, जितना एक्सपेक्ट नहीं था उससे भी ज़्यादा क्रॉस कर गए। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको कट ऑफ के मार्क्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब मोतीबाग वर्षों
स्टॉक का बात करें तो आप देख सकते हो, हालांकि जैसे मेन लिस्ट में था वैसा ही आपको डीआरएम ऑफिस का जो वैकेंसी था उससे आपका कट ऑफ मोतीबाग वर्कशॉप में देखने को मिल रहा है। हालांकि उससे थोड़ा सा फिटर वगैरह में, इलेक्ट्रीशियन में जो बजट है, लोड है, उसमें डिक्रीज होते हुए, मतलब कम होते हुए आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि कट ऑफ का जो डिसाइड होता है वो कैसे किया जाता है। देखिए, कट ऑफ जो मेन फैक्टर है इसका, वो आपका वैकेंसी के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो कट ऑफ जो है थोड़ी कम जाएगी, और अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ एब्सोल्युटली है कि वो बहुत ज़्यादा जाने की उम्मीद रहती है। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप मान के चलते हो कि BLW रेलवे अपेंडिक्स में क्या होता है कि हर साल 374 पोस्ट रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। 374 पोस्ट रिलीज किए जाने के कारण ही यहाँ पे नॉन ITI वालों का कट ऑफ जो है 100% चला जाता है। सोचिए, 100 में 100 मतलब 100 में 100 अगर आपका मार्क्स है तो ही आपका सिलेक्शन होगा, बात कर रहे हैं तो अनरिजर्व वालों से, ठीक है। और अगर ST/OBC का बात करें तो इससे 1-2% कम, मतलब 97-98% पे सिलेक्शन होता है। और अगर वहीं अगर मान लीजिए 374 के जगह अगर वैकेंसी को बढ़ा अगर 1000 इसमें कर दिया जाए तो एब्सोल्युटली है कि जो कट ऑफ है वो 90-92% के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। वो भी हम बात करें कि नॉन ITI वालों से, तो ITI वालों का जो कट ऑफ है ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। तो चलिए, आज की इस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कट ऑफ का जो फंड है आप सभी को समझ में आ गया होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर 1-2 दिन में आपको ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा कि जो रेलवे के टॉप 5 जोन है जहां के कट ऑफ सबसे ज्यादा और जहां के कट ऑफ सबसे कम जाती है, उस पर भी वीडियो लाने की हम बहुत से जल्द कोशिश कर रहे हैं। फिर भी तब तक आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी आपको देखने को आ रहा है कि वेस्टर्न रेलवे की तरफ से न्यू मेरिट आ रहा है, और अपेंडिसिप मेला भी है आपका कल, अपेंडिसिप मेला का ऑर्गेनाइजेशन। UPPCL की तरफ से बहुत अच्छा आपका अपॉर्चुनिटी है ITI वालों के लिए। उसके बाद आपका एक नया अपेंडिसिप आपका ये पिस्टन कंपनी की तरफ से आ रहा है जिसमें स्टाइपेंड 15,000 के आसपास है। तो बहुत सारा आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहता है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दें। चलिए, अगर कोई नोटिफिकेशन छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो कैसा लगे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो अगली मेरिट अगली ज्वाइनिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।